जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग जानते हैं कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम होता है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं। ये इतना भयानक होता है कि अगर ये कहीं पे लगा हुआ है तो उसको पार करके आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी हेलीकॉप्टर जांच कुछ भी लगा दीजिए, उस पर कितना भी अटैक कीजिए, वो आपको खत्म कर देगा, लेकिन आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसको रूस ने बहुत ही दिमाग लगा के बनाया। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये वर्टिकल होता है। अब देखिए, वर्टिकल होने के पीछे रीजन क्या है कि ये वर्टिकल होता है, यानी कि सीधे होता है, तो ये जहाज कहीं से भी आ रही हो, अगर मान लीजिए ये ऐसे वर्टिकल और जहाज इधर से आ रही है, तो ये ऐसे मार देगा करके। अगर जहाज इस साइड से आ रही है तो इस तरीके से मार देगा, सामने से आ रही है तो सामने से मार देगा, अगर जहाज इसके पीछे से आ रही है तो जहाज को ये पीछे से मार देगा। मतलब ये टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये तुरंत अटैक कर सकता है। इसको बहुत ही सोच समझ के रशिया ने बनाया है। ये मिसाइल 360 डिग्री तक हमला कर सकती है कहीं भी किसी भी दिशा में। ठीक, अगर इस मिसाइल के 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज हेलीकॉप्टर इत्यादि कुछ भी आ गया तो ये मिसाइल उस पर हमला कर देती है। उसके बाद तो उस चीज का बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, समझते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम को नाकाम कैसे किया जाए। देखिए, चीन के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है और चीन ने इसे लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम जैसे जगहों पे तैनात कर रखा है। ये जो मिसाइल है वो 136 जहाज, ड्रोन या फिर जो भी है उसको मारकर गिराने की क्षमता रखती है। पर भारत सोचेगा कि S-400 की उपस्थिति में ही हम अटैक कर दे चीन में, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, एकदम असंभव है। क्योंकि जैसे भारत अपना कोई भी खतरनाक से खतरनाक विमान लेकर चला जाएगा ना अटैक करने के लिए, S-400 उसे मार के एक मिनट में नीचे गिरा देगी। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एक मिनट मार के वो नीचे गिरा देगी। ठीक है, इसके लिए देखिए, S-400 में दो चार चीजें होती हैं जिससे कि वो काम नहीं करता है। अगर उसमें से हम एक को भी नाकाम कर दे रहे हैं ना, तो हम आसानी से अंदर जाके अटैक कर सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये पूरी मिसाइल ट्रक में होती है। ठीक है, इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, कहीं पे भी आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो सबसे पहला होता है वो होता है सर्विलांस रडार। सर्विलांस रडार देखता है कि 400 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल, जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि कुछ भी आ जाएगा तो ये अपने रडार में उसको पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद ये फायर कंट्रोल को बताएगा कि देखो मिसाइल आया है या फिर हेलीकॉप्टर आया है, जहाज आया है, जो भी आएगा वो बताएगा। और फायर कंट्रोल क्या करेगा, फायर कंट्रोल अब मिसाइलों को आदेश देगा कि अब वो जो भी है उस पर अटैक करो सबसे पहले। तो ये मिसाइलें क्या करेगी, मिसाइलें उस पर अटैक कर देती है। बस इसका यही काम होता है। ये किस तरीके से काम करता है, जो सर्विलांस रडार होता है वो 400 किलोमीटर के दायरे में कोई मिसाइल आती है, हेलीकॉप्टर, जहाज कुछ भी है, उसको पकड़ लेगा और ये फायर कंट्रोल रडार को बताएगा। और फायर कंट्रोल रडार क्या करेगा, फायर कंट्रोल रडार आदेश देगा मिसाइलों को जाओ अब उस पर अटैक करो। इसमें एक और चीज होता है, कमांड पोस्ट। कमांड पोस्ट देखता है कि अटैक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक से मारा कि नहीं मारा ठीक से। वो बैठा रहता है कि मारा कि नहीं मारा ठीक से, इस चीज को हम देखेंगे। अगर नहीं मारा ठीक से तो दोबारा मिसाइल फायर करेगा। ठीक, तो देखिए इसमें हमने कमांड पोस्ट को नहीं लिखा क्योंकि वो अभी हम लोग को इन तीनों चीज के बारे में समझना है, वो अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। ठीक है, तो देखिए, लेकिन वो भी एक भाग होता है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि 400 किलोमीटर का रेंज तो है ही नहीं चीन के पास। चीन के पास 400 किलोमीटर का रेंज तो है ही नहीं, वो MPCR का सदस्य ही नहीं है चीन। रूस उससे पूरा पैसा लिया है, S-400 मिसाइल सिस्टम था, लेकिन वो S-300 मिसाइल दिया है। S-300 मिसाइल सिस्टम दिया है चीन को, क्योंकि चीन MTCR का सदस्य नहीं है। अभी MTCR क्या है, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ठीक है, ये क्या है कि अब चीन इसका सदस्य ही नहीं है MTCR का। और जो देश MTCR के सदस्य नहीं होते हैं उनको 300 किलोमीटर की ज्यादा की मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 300 किलोमीटर की ज्यादा रेंज की मिसाइलों को नहीं दिया जाता है, या फिर कोई भी हथियार हो 300 किलोमीटर का ज्यादा है तो उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो चीन MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए चीन के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है ही नहीं। लेकिन रूस क्या किया है, रूस पूरा पैसा लिया है S-400 का, लेकिन दिया क्या, S-300 दिया। ठीक, लेकिन देखिए फिर भी उसका रेंज 300 किलोमीटर का है, तो कोई भी जहाज, कोई भी हेलीकॉप्टर, कुछ भी अगर 300 किलोमीटर की दायरे में आ गई तो सर्विलांस रडार क्या करेगा, उस चीज को पकड़ लेगा। जिसका मेन रडार होगा क्या करेगा, वो जहाज, हेलीकॉप्टर, जो भी, उसको पकड़ लेगा। और ये फायर कंट्रोल को बताएगा कि तुरंत फायर करो, और फायर कंट्रोल क्या करेगा, मिसाइलों को आदेश देगा कि फायर करो, और मिसाइलें फायर करेंगी। और जो कमांड पोस्ट होता है, वो कमांड पोस्ट देखता है कि मिसाइलें जो है वो अपने टारगेट को हिट की नहीं की, अगर नहीं की हिट तो दोबारा फायर करता है, मिसाइल दोबारा हिट करती है। ठीक है, तो यही होता है। तो चीन के पास कुल मिलाकर S-400 मिसाइल सिस्टम है ही नहीं। तो हमारा ये जरूरी नहीं है कि उसके पास S-400 मिसाइल सिस्टम है या फिर नहीं है, हमारा जरूरी है कि अब इसको किस तरीके से नाकाम किया जाए। अभी तो हमने समझा कि ये काम कैसे करता है, अब इसको नाकाम कैसे किया जाए। देखिए, इसका नाकाम अगर हम लोग फायर कंट्रोल रडार को किसी तरीके से नष्ट कर दें, तो फायर कंट्रोल रडार खत्म हो गया तो सर्विलांस रडार बताएगा कि इसको बताएगा नहीं तो मिसाइल फायर कैसे होंगे। अगर हम लोग मिसाइलें को खत्म कर देना है तो ये बताइए कि इसको क्या कर लेगा जब मिसाइलें नहीं रहेगी इसके पास। अगर सर्विलांस रडार को हम लोग खत्म कर दे रहे हैं तो कोई मिसाइल, जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी घूमे, नाचे, जाए और फिर चली भी जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई तो पकड़ने वाला है ही नहीं रडार में।
में। तो इन तीनों में से अगर हम लोग किसी एक को भी नष्ट कर देना, एक को भी नाकाम कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, इसको हम आसानी से नाकाम कर देंगे। लेकिन इसको हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 300 किलोमीटर का भी रेंज है, तो 300 किलोमीटर का रेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। देश के बॉर्डर पे अगर हम कोई हथियार रख दें उसका रेंज 300 किलोमीटर का हो, तो हमारे देश में आ जाएगा उसका रेंज, ठीक है। अगर किसी ऐसे हथियार को रख दे जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, उसको अगर हम लोग बॉर्डर पे रख दे, तो उसका जो रेंज होगा वो हमारे देश में आ जाएगा, क्योंकि 300 किलोमीटर कोई थोड़ा बहुत रेंज थोड़ी होता है, 300 किलोमीटर तो ज्यादा ही रेंज है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन इसका एक और तरकीब है, ठीक है। S-400 को नाकाम करने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि S-400 अगर उपस्थित है कहीं पे और S-400 की उपस्थिति में हमको अटैक करना है चीन के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले S-400 का ये पता करना पड़ेगा कि चीन के पास कितनी मिसाइल है S-400। हमको रशिया का डाटा से पता चल गया है कि 750 के आसपास में चीन के पास S-400 जो मिसाइल है वो है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज का प्रयोग करें कि हमारे पास जितनी जो पुराने जहाज है, जो कि कबाड़ ड्रोन हो गया, जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इसको ले जाए और खूब हमला करें S-400 पे, ठीक है। तो उसके बाद S-400 अब तो भाई उसके बाद अगर उसके ऊपर हमला होगा तो शांत तो रहेगा नहीं, जरूर फायर करेगा चीन भी, ठीक है। तो जैसे वो अगर हमला कर रहा है चीन, तो उसका जो मिसाइल है वो खत्म हो रहा है, और अगर मिसाइल उसका खत्म हो जाएगा तो आराम से फिर हमारे जो पावरफुल जहाज है, राफेल हो गया, सुखोई हो गया, उसको लेकर हम लोग अंदर चले जाएंगे। और अगर नहीं हमला कर रहा है तो S-400 खत्म हो जाएगा, उस पर इतना ना ज्यादा अटैक कर देंगे हम लोग, S-400 खत्म हो जाएगा। अगर वो हमला किया फिर भी हम लोग का ही प्रॉफिट है, अगर हमला नहीं किया फिर भी हम लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। इस तरीके से S-400 को हम लोग नाकाम कर सकते हैं, ठीक। चीन वाले सोच रहे होंगे ऐसा तो हम भी कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है कि हम भी कर लेंगे। कोई हलवा नहीं है कि चीनी और घी खरीद के लाए, बना के खा लिए, बहुत मजा आया, ठीक है। तो कोई हलवा नहीं है। मिसाइल या जो भी हथियार है, कितना भी पावरफुल हथियार हो, उसको चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। अगर चलाने वाले में दम नहीं है ना, तो हथियार किसी काम का नहीं है। अब अमेरिका भी तो दिया था पाकिस्तान को F-16, क्या किया हमारे अभिनंदन, जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, वो MiG-21 से मार के गिरा दिया F-16 को एक मिनट में। अमेरिका भी बोल रहा हूँ किसको जहाज दे दी, पूरा बेइज्जत करा के रख दिया जहाज को। पाकिस्तान बोल रहा है तुम्हारा चल भी नहीं किया जहाज, जब उसको चलाने ही नहीं है तो क्या किया जाएगा। जहाँ पे भी दिक्कत होगी कॉमेंट करके बताइएगा, आपकी कॉमेंट को एकदम से ध्यान दिया जाएगा, आपको जो भी दिक्कत होगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।